यार में आ चुके हैं भाई साहब, यार साइक्लोन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। चार दिनों के बाद चेहरा दिखला रहा हूँ, शक्ल सामने आ रही है, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत माफी। और दूसरी चीज ये कि मौसम बदल चुका है पटना का। हमारे आगे पीछे हर तरफ हवाएं चल रही हैं, बहुत जबरदस्त वाली, काफी तेज बारिश भी हो रही है। बीच बीच में अभी फिलहाल बारिश रुकी है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो हमारा बालकनी पूरा का पूरा भीग जाता है। हमारा टेरिस पूरी तरह से भीगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हुई है रात को बारिश तगड़ी वाली। मैंने सोचा कि रात को बारिश को शूट किया जाए, लेकिन इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश थी कि खिड़की के बाहर से आपको मज़ा भी नहीं आता। लेकिन चार दिनों बाद जब सामने आऊँ ना तो बहुत दुख हो रहा है अंदर से कि भाई आप लोग सोच क्या रहे होंगे। हवा थोड़ी अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन देखिए तो अभी गंगा जी की हालत कैसी हो रही है, एकदम उफान पर है और हो सकता है कि ये पानी और भी ज्यादा बढ़े क्योंकि यास तूफान इंटर कर चुका है पटना में। भाई साहब हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, इसका अंदाजा पीछे में जो नीम का पेड़ है ना उसको देख करके लगा सकते हैं। तो यास साइक्लोन जो है वो वेस्ट बंगाल से चला और उसके बाद उड़ीसा होते हुए बिहार पहुंचा है। लेकिन अभी का मौसम भाई साहब, छोड़ दो यास, सब कुछ छोड़ दो, बस मौसम को एंजॉय करो। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। एक हाथ से किसने किसने ताला बंद किया जरा बताओ। एक हाथ से ताला बंद करना बहुत टफ होता है। और ये किचन में हो रहा है अभी शहनाज लाइफस्टाइल का शूटिंग। यहाँ पर फोन लगेला है, आप लोग पूछते हो कैसे शूट करते हैं। देखो फोन से ही शूट होता है, ऐसा कोई डीएसएलआर कैमरा नहीं है। नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। लीची 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 बहुत पसंद है इनको। अभी क्या है ना कि बहुत सारी चीजें घर की लानी है हमें, और लीची को कभी भी खाने से पहले एक दो घंटा के लिए पानी में डाल के रखना चाहिए, है ना। मैं रखी हूं क्योंकि लीची बहुत गर्म। वो सब आपको शहनाज लाइफस्टाइल पे देंगे। हां ठीक है। इनकी सुबह हो चुकी है, अभी सो करके उठी है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे निकलना पड़ रहा है घर के कुछ काम से, जो कि बाहर जाना पड़ता है बीच बीच में, वो भी जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं चलने वाला। स्कूटी का चाबी कहाँ है? थैंक यू। ये आ गया बंदर, देखो नानू नीचे ही खड़ा है। सो गाइस, देखो चेतक यहाँ पर खड़ा है, लेकिन आज तुम्हारी सवारी नहीं की जाएगी क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है और तुम गंदे हो जाओगे, और बारिश में सामान लाने में चेतक का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता ना डुगू। तो आज चलेंगे अपनी स्कूटी से। समटाइम्स स्कूटी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्यों आप लोगों को क्या लगता है? सो भाई हम लोग आ चुके हैं सड़क के ऊपर और बहुत बहुत सारा काम आ गया है सामने, जिसको निपटाने के चक्कर में व्लॉग नहीं आ रहे। वो सारे काम को मैं रिवील करूंगा, लेकिन उसके पूरा हो जाने के बाद एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि हम लोग जो है ना उसको अच्छे से दिखा सके, तो इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे। ये जो पूरा जो अपना मई का मंथ रहा है, इसमें पूरा व्लॉग जो है ना इधर उधर होता रहा। मैंने कई बार आपसे वादा भी किया कि यार व्लॉग आएगा, रोज आएगा, डेली आएगा, बट व्लॉग डेली नहीं आ पा रहे थे। कुछ ऐसा काम ही हो रहा है भाई जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है और टाइम टेकन, और वो होना भी बहुत जरूरी था। पता है पिछले 22 से 23 सालों से हम लोगों का ये सपना था जो अब जा करके पूरा हो रहा है। अपने आंखों के सामने अपने सपने को पूरा होते देख करके अंदर से जो फील होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, लेकिन उस व्लॉग में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फाइनली आ चुका है आपका भाई, माफ कर दीजिएगा, क्षमा 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 प्राप्ति सभी से। चारों तरफ पानी पानी हो रखा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज यार चप्पल पहन के ही चलते हैं बाहर, और मैं तो ट्रैक में ही निकल आया। अभी घड़ी में हो चुके हैं 9:15, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना घड़ी के ऊपर, उसको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिर से बारिश आ गई भाई, फिर से बारिश आ गई। आई कैन फील द रेन ड्रॉपलेट्स ऑन माई फेस। ये बारिश थोड़ी थोड़ी होती है और बहुत ही अच्छा फील कराती है, एहसास कराती है। तो भैया कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ कहाँ और बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ ऐसा मौसम और बना है। पटना में तो कुछ ऐसा हाल है, मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, लेकिन और जगह बताइए कि क्या हाल है। यहाँ पर हो रही है चेकिंग सुबह सुबह, इधर से डाइवर्जन हो गया, क्या बात।
कौन सा आम है सर? मालदा है। कैसे किलो? ये 80 वो 100। तो अभी मालदा आ गया मार्केट में। मालदा आम आ चुका है मार्केट में। जहाँ भी आपको मिले आप सैनिटाइज कर लिया करो अपने हाथ को। और होता है ऐसा, अपने सैनिटाइजर में पुछ और दूसरे के सैनिटाइजर में पुछ पुछ पुछ। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऑलमोस्ट रीच आवर डेस्टिनेशन बट अभी जगह पर पहुंचे नहीं है। सवाल बहुत उठ रहे होंगे आपके मन में, आपके यहाँ तो सब्जी बगल में मिल जाती, लोकलाइट में भी सब्जी मार्केट होगा, वहाँ पर भी सब्जी मिल सकती थी, फिर आप सब्जी लेने के लिए इतनी दूर क्यों आए? सवाल तो पूछे जाते हैं और आप पूछिएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपके सवाल बहुत ज़रूरी है, तो मैं उन सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं अंटा हाट, यहाँ से थोड़ा सा आगे है और मेरे घर से तकरीबन 2.5 to 3 किलोमीटर है अंटा हाट। और अंटा हाट में सब्जी लेने का जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है, एक फ्रेश सब्जी होती है वो यहाँ पर पहले आती है, फिर बाकी के पटना में जहाँ पर भी जाए। तो यहाँ पर सब्जी लेने का जो मेन मकसद है वो यही होता है कि आपको एकदम फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। क्या कर रहे भैया यहीं पे? सुसु बारिश आ गई। पटना में साइक्लोन हिट कर चुका है भाई। बारिश एक ऐसा मौसम है जो सभी को अच्छा लगता होगा। आप बताओ कमेंट करके क्या आपको बारिश अच्छी लगती है। ओ हीरो लल्ला हट जाओ। और हम लोग आ चुके हैं सब्जी मार्केट। अभी फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे। भैया बोरो कैसे है? 20 रुपए। और ये करेला और नेनुआ और भिंडी 25 रुपए किलो। तो यू कैन सी द रेट हियर, आपको जो बाहर में रेट मिलता है ना उससे काफी सस्ता यहाँ पे मिल जाता है। दीदी परवल कैसे है? 50 रुपए किलो है। और ये क्या है भाई? ये फूल है नेनुआ का। तो ये अलग से बिकता है क्या? अच्छा दिखाना जरा। ये नेनुआ जो तरोई होती है उसका फ्लावर है। और इसको तोड़ते कब है? उसी समय तोड़ लेते हैं क्या? फूल होता है तो अच्छा। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार, इसका क्या बनता है? सब्जी बनता है। आपको हर रोज कुछ नया नया देखने को मिल ही जाता है आखिर। ओहो भुट्टा मिल गया। भुट्टा कैसे भाई? खिंचा है। शहनाज को भुट्टा बहुत ज्यादा पसंद है तो इसको लेते हैं अभी। ऑलवेज प्रेफर कैरी बैग विद यू, प्लास्टिक पे जोर मत दो आप, प्लास्टिक से बचो। चलिए चलिए हाजीपुर। ओ भी हाजीपुर। ननवा बोरो। ओहो ये बारिश का मौसम। ओके नाइस टू मीटिंग यू। तो सब्जी लेने के लिए आए थे क्या अंटा? भाई भी सब्जी लेने के लिए, यहाँ पर सब्जियाँ काफ़ी फ्रेश मिलती है। ओके नाइस टू मीट यू भाई। बारिश आ गई अचानक से और लुक एट द सीन ऑफ द सब्जी मार्केट अंटा हाट पटना। ये देखो हवा है, बिहार में आ चुके हैं भाई साहब। यहाँ साइक्लोन, रेनकोट लाना भूल गया हूँ मैं, और बिना रेनकोट के ही आ गया था सब्जी लेने के लिए। और अभी आ गई बारिश, और अभी बारिश की वजह से क्या है कि घर निकलना पड़ेगा, मैं भीगना नहीं चाहता हूँ। बारिश बहुत तेज तो नहीं आ रही है लेकिन इतना है कि आप जब चलोगे ना तो आपको भिगा देगी, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो ये बोल रही है कि मुझे और चाहिए। इसको और चाहिए अभी। देखिए अभी इस वक्त के टाइम में ना आदमी तो जिंदा रह लेगा खा पिए कैसे भी, लेकिन इन लोगों को तो नहीं मिलने वाला। तो चल तो निकल रहे घर, तो आपसे मिलते हैं सीधे घर पर। ये बारिश रुकने वाली नहीं है भाई। तो मैं बहुत थक गया हूँ यार, अपना भी घर आए हो चुके 2 घंटे और बारिश अभी भी नहीं रुकी है। हमारे घर में ना कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें बनती रहती है, तो अभी चलता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए किचन में। ओहो टमाटर को लाल किया जा रहा, आज छोले कुलचे बनाए जा रहे हैं। गर्मा गर्म छोले अभी बन करके तैयार हो चुके हैं, इसको अभी मसाले में डाला जाएगा। और ये काबली चने बहुत ही अच्छे वाले। बच चुके हैं 5 और 5 बजे का टाइमिंग था कि साइक्लोन हिट करने वाला पटना को। तेज बारिश आ गई, बहुत ही काफी तेज बारिश हो रही है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अलर्ट किया गया है ना 5 बजे का। तो अलर्ट किया गया मतलब वेदर को लेके अलर्ट है, ऐसा थोड़ी ना कि अलर्ट है तो अलर्ट। वेदर को ही लेके मैं भी बोल रही हूँ। तो अलर्ट मतलब भागना थोड़ी है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं भागने? अभी देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम 0% जैसे 5 बजे वैसे बारिश भी तेज हो गई। 5 बजते ही देखिए क्या हाल है, देखिए कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। जरा बच के जरा संभल के, और ये 2 दिनों तक का अलर्ट है। कौवा उड़ रहे ऐसे उड़ते उठाने कहते फेंका जा रहे कौवा सबको पंग है क्या? होते होते ऐसे हो जा रहे, मतलब ये साइक्लोन इफेक्ट है। और ऐसे सीधा करते होते साइक्लोन का इधर देख लो साइड इफेक्ट, इनको देख सकते हो कौवा ऐसे ऐसे नहीं ऐसे हो जाए
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो मैं भुट्टा खरीद करके लाया था अड्डा हाट से अभी उसको सेका जा रहा है। बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है और लगता नहीं कि बारिश रुकेगी। बारिश एकदम हो ही जा रही है, एकदम रेगुलर हो ही जा रही है। बहुत बारिश हो रही है भाई, पता नहीं कब क्या और कितना बारिश होगा समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अभी भुट्टा खाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग एडिट भी करना है, उससे पहले फुटेज एडजस्ट करना है, बहुत सारा काम है।